कौन कर रहा है उसको? मैं हमें पता है कहना है वालेकुम सलाम। कोई थोड़ा इधर बैठ, माइक ये है। हाँ। अच्छा ये भी रोला, ये तुम लगा। कोई बात नहीं, नहीं मैं तो इधर मुंह करके बोल लूंगा ना। हाँ तुम नहीं बोल सकोगे, ये भी लगाओ ना, इधर कहीं लगा दो ना मुर्तजा। नहीं इस तरह यार, अच्छा लगेगा। तुम्हारी भी ना है मेरी। पागल कुछ भी नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, अब कहना वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा वालेकुम सलाम। ये अच्छा आप करो आराम से। अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि जो ट्रैफिक है इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कि मुझे तो थोड़ा सा ये है कि ट्रैफिक को अगर देखा जाए तो हमारी ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की वजह से अगर हम लोगों ने दफ्तर से छुट्टी होती है तो लेट पहुंचते हैं, इसके अलावा पोल्यूशन भी काफ़ी हो। सारा इसने कह दिया हमने। नहीं ठीक है, पोल्यूशन और ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा 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 इसके इसके साथ देखा जाए तो इस पे जो है वो ना सिर्फ ये हो रहा है बल्कि इसके अलावा पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा वो फैलते जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कौन मैं? यार इंटरव्यू तुम्हारा तो यार पहले उससे स्टार्ट करो। ये तो बहुत ब्लूपर है वो यार। तो इसके साथ साथ जो है वो पोल्यूशन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। आपको पता है जैसे ट्रैफिक आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, हर बंदे के पास ही गाड़ी है। बिल्कुल। तो बस चाबी लेता है, निकला हुआ है। और तो ये तो अच्छी बात होगी मेरा ख्याल है कि अगर हमारे पास एक सहूलत है तो हमें मिली हुई है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात है। ये तो मेरे ख्याल से देखिए आजकल तो अब इंसान के अगर आप ट्रैफिक पर बोलते हैं तो इंसान को सहूलत भी तो है ना, ये भी तो देखिए ना। सहूलत तो है लेकिन आप देखें ना, मसला ये होता है अगर सुबह मैंने ऑफिस जाना है 9 बजे मेरा ऑफिस लगता है, मुझे घर से निकलना पड़ता है। हालांकि G11 से ब्लू एरिया इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है, 10 मिनट ही है, लेकिन मुझे 8 बजे निकलना पड़ता है। क्यों? वो ट्रैफिक सिग्नल ब्लॉक हुए हुए हैं, कोई चौक ब्लॉक हुआ हुआ है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई और सहूलत भी तो नहीं है, बंदा रोज़ टैक्सी पर तो नहीं जा सकता या रोज़ भाई। ठीक है वो आगे भाई ठीक है, मसला ये है देखे ना, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रही है ये ट्रैफिक जो है ना। 8 बजे मैं निकलता हूँ और फिर अगर मेरी छुट्टी होती है तो मैंने 6 बजे निकलना और मैंने पहुँचना 7:30 बजे घर। अब ये घंटा डेढ़ घंटा आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा सड़कें हमारी ठीक है एक हद तक बढ़ गई हैं, अब कितने बढ़ा लेंगे ये ट्रैफिक। ये जो बैंक्स वालों ने जो लीज पे गाड़ियां देना शुरू किया है ना, सबसे बड़ा मसला। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीज वाला जो है मसला। तो बंदे ने गाड़ी निकलवा ली है 24-25 हज़ार महीना देना है, तो बस ये मसला। तो देखें अगर उन्होंने वो सहूलत के लिए दी है, अब एक बंदा है उसको उसका दिल चाहता है कि मैं यार गाड़ी में ऑफिस जाऊँ, तो अब उसके लिए भी तो इन्होंने आसानी पैदा की कि आप लीज पे वहाँ से गाड़ी ले लें और आराम से आपको सहूलत मिल जाती है। मतलब आपको महीने में 25,000 या 30,000 आपको दें और आपको गाड़ी आपके पास। लेकिन देखिए ना थोड़ा सा हम उसमें ये भी तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें गरीब जो आपने बात की, मैं उस तरफ आता हूँ कि जो गरीब है वो तो फिर इसमें फंस जाएगा अगर वो 20-25 हज़ार नहीं दे के गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से अगर इनकेस कोई उसका रिलेटिव है या कोई भी उसने हॉस्पिटल पहुंचना है, फंसी होती है तो एम्बुलेंस वाली बात। हमारे तो अवेयरनेस इतनी नहीं है कि रास्ता भी नहीं देते ना। नहीं वो तो आपको पता है कि अब मेरा ख्याल है जो मसला है ना असल वो हमारी ट्रैफिक की वजह से, हमारे ट्रैफिक का कम मसला, हमारे जो लोगों में अवेयरनेस है वो ज्यादा अवेयर। वो आपको पता है अगर लेडीज के हाथ गाड़ी चढ़ जाए तो फिर तो शायद आपको भी पता नहीं आता ही आएंगे लेडीज के नीचे। लेडीज की तो चले वो तो है, आप तो जो है एजेड लोग हैं वो भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो इनको पता नहीं लग रहा था पीछे से हॉर्न बाज रहा है या जो भी है। लेडीज का तो मशहूर है कि अगर लेडी गाड़ी चला रही है ना, चाहे आगे से लगी है पीछे से, गलती मारने वाले की। लेडीज की कोई गलती नहीं होती। लेकिन ये कोई एक और बात बताऊं कि कुछ लेडीज गाड़ी इतनी अच्छी चलाती हैं जितने मर्द हजरात नहीं चलाते। कुछ लेडीज होती हैं लेकिन वो एक्सेप्शनल केस होता है, 100 में से कोई एक आती है। लेकिन ये तो अब हमारा टॉपिक से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं कि हम लोग जो ले हैं कि गाड़ी कौन ज़्यादा अच्छी चलाता है। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ दोबारा, मुझे बताइएगा कि ये तो अभी आपने इस्लामाबाद की बात की, दूसरे शहरों के बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, दूसरे शहरों में तो आपको पता सड़क भी नहीं है इतनी ना, और वहाँ पर जब ये ट्रैफिक इतनी, एक बंदा गलत गाड़ी घुसा देता है सारा, मतलब चाहे एम्बुलेंस है उसमें फंसी हुई है चाहे कुछ फंसा हुआ है, कोई वो नहीं है। तो एटलीस्ट मैं आपको बता, तो मेरा ये नहीं है ठीक है गाड़ियाँ बैंक लीज वाली बात बिल्कुल ठीक है, कुछ हम भी चीज़ें इस तरह की कर सकते हैं ना। जैसे देखें अगर मैं G11 से ब्लू एरिया आता हूँ तो हम ये देख लें कि G11 से और कितने लोग ब्लू एरिया आते हैं, हम एक गाड़ी निकालें 5 बंदे उसमें बैठें और वो लें, इससे बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। इससे ये हो जाएगा कि 5 बंदों ने जो 5 गाड़ियाँ लानी थी, वो 5 बंदे एक गाड़ी में आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, हम कर सकते हैं। सही है। या फिर ये है कि जैसे गवर्नमेंट की या ये जैसे मेट्रो है, मेट्रो ने काफी मेट्रो ने किया है जरूर है, लेकिन ये देखे ना मेट्रो सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे चलती है, यही यही पॉइंट। अब वो दूसरे लोग क्या करें बेचारे जो
ऐसे मतलब जो कहीं और से आते हैं तो वो क्या करें? हाँ, ये पॉइंट है, ठीक है, असल में आवाम का मसला उस तरह से नहीं है। या तो ये गवर्नमेंट इस पे देखे ना कि बसेज और ये वैन्स इस तरह की चीज़ें निकाले ताकि लोग उसमें इकट्ठे बैठ के जाएँ, तो ताकि ट्रैफिक कम हो। हमारे यहाँ तो एक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी जिस तरह की है वो सबको ही पता है, वो 10 रुपये बाद दो रुपये के पीछे आपको पता बकाए के पीछे बड़े लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो वो फिर इस तरह के मसाइल तो हैं। लेकिन ये कि आप लाहौर को या इस्लामाबाद को बाकी सिटीज से कंपेयर कर ही नहीं सकते ट्रैफिक का, मतलब इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है उस कुछ बहुत दर्जे बेहतर है बाकी पंजाब साइड, क्योंकि वहाँ का तो रूल्स है ही नहीं, वहाँ के रूल्स है ही नहीं, यहाँ पर फिर रूल्स इधर है। इधर जो है मैं इस टाइम ये भी कहना चाहूँगा जो इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये उन्हीं की वजह से। अदरवाइज देखा जाए तो आप लोग मोटरवे की एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोटरवे पर भी जो है वो लोग जो हैं, वरना अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं वो 230-240 की स्पीड पर भी जाते रहेंगे, हर कोई जाता रहेगा, अगर 120 की वो लिमिट हटा दें तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। और ये मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है इसको तो मेरे ख्याल से वो लिमिट भी इन्होंने वो चलान भी इन्होंने ज़्यादा किया हुआ है, ताकि वो पहले तो लोग कम चलाता था, कहते थे चलो कोई बात नहीं ये आराम से हो जाता होगा, तो अब तो चलान भी इन्होंने ज़्यादा कर दिया। ऐसे ही है, तो वो बस यही है कि सोल्यूशंस देखने चाहिए क्योंकि ट्रैफिक का बहुत बुरा। ये तो ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने अवेयरनेस की बात की उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। अवेयरनेस की बात ये है कि मैं अगर फ़र्ज़ करें गाड़ी चला रहे हैं तो कल परसों की बात है कि पूरा ये जिना एवेन्यू ब्लॉक था, सिर्फ एक छोटी सी रीज़न ये थी कि जो टर्न आना था लेफ्ट टर्न उस पर एक्सीडेंट हुआ था। ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से हमारे पूरी जिना एवेन्यू जो था वो डाउन हुआ हुआ था, पूरे ब्लॉकेज हुई हुई थी। इसको हम कैसे कर सकते हैं? आपका पॉइंट ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, 50 बंदे सिर्फ देखने वाले तो बहुत होते हैं, उसकी हेल्प किसी ने नहीं करनी, गाड़ी में आ नहीं वहाँ बैठ के फोन बना रहे, ओए एक्सीडेंट हो गया, शीशा नीचे करके पूछते हैं जी की हो गया करना है तो पूछ लो। अच्छा कुछ फिर ये आजकल वीडियोस जो बनाने का आ गया, मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ और ये वीडियो ये देखे एक्सीडेंट हो गया, वो हो अल्लाह अकबर, ओ भाई उतर के उसकी हेल्प कर। तो ये रश जो लगता है इससे पीछे ट्रैफिक का और रश लग जाता है। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है ये भी ट्रैफिक जो है ना, गाड़ियां तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो देखा जाए तो एक हमारी सहूलत ही है। और इसको ओवरकम करने के लिए मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक में ये जो लीज़ पे गाड़ियां, इससे ज़्यादा जो वो पॉलिसी और अवेयरनेस जो है हमारी आवाम की वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज। अच्छा आपसे एक सवाल है, ये जो लोकेशन आप जो चूज़ करते हैं ये आप अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं या आपको कोई बंदा बताता है कि यार ये लोकेशन है? नहीं मैं देखें जो हमारे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये देखें एक तो गंद बड़ा वो देखें वो नस्वार पड़ी हुई है, वो सिगरेट पड़ा हुआ, यहाँ पर ये दोनों गंद फेंका। नहीं ये देखिए मैंने ये बात सुन, ये जो गंद जो इसके ऊपर हम लोगों ने एक रखा था तो और जो बेसिकली अच्छा वैसे मेरे ख्याल से ये ना इस्लामाबाद में मतलब अच्छे लोग भी जो मतलब पहले बहुत सफाई होती थी, अब ये बहुत कम हो गई है, मतलब यहाँ पर गंदगी हर जगह पे हो गई, पहले हर चीज साफ सुथरी थी। अच्छा इधर की अगर देखा जाए ना तो देखा जाए इधर कहीं मुझे डस्टबिन नजर भी नहीं आ रही, वो ये टूटी हुई डस्टबिन लगी हुई है लेकिन डस्टबिन नहीं है। अब इसकी वजह ये है कि जो गरीब तबका उठा के ले जाता है और जाके बेच देता है, ये बात है। तो मतलब एक तो गुर्बत बहुत ज्यादा हो रही है आहिस्ता ये सारे टॉपिक आज ही डिस्कस कराएंगे। देखिए अच्छा जो आपने बात की वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हमने पहले बात वॉशरूम होना चाहिए। नहीं वो आपकी बात ठीक है लेकिन मैं मेरा ख्याल है मैंने आपको इधर ऐसा गेस्ट बुलाया है वो दा तो चलो खत्म करो यार अगली के बारे तो मेरा ख्याल है ये आप ये जो है इनको इंशाल्लाह हम अगले किसी टॉपिक में रखेंगे और ज़रूर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आज का आप लोगों को टॉपिक पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आप लोग अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कर दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेकी मां।